काव्या एक जज्बा एक जुनून, जज्बा जुनून या तेल लेने, यहाँ पे चलेगी लव स्टोरी काव्या और आदि की। विक्की यहाँ पे बीच का एक, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ क्या बोल सकता हूँ मैं, वो हड्डी तो है नहीं किसी तरीके से, बल्कि वो एक पाथवे बन रहा है, एक रोड बन रहा है जिससे दोनों क्लोज आ रहे हैं। कैसे? ऐसे कि हमारा, अगर हम लोगों ने, अगर कुछ आपने मतलब नोटिस करी या फिर नोटिस करने की कोशिश की हो, तो यहाँ पर विक्की काव्या को प्रपोज करने नहीं आता, वो यहाँ पे आता है काव्या को। ये पता नहीं भाई तुमने जो अपने पापा के साथ बदतमीजी से बात की वो गलत था, वैसा नहीं करना चाहिए, पर यहाँ पे काव्या वो गलत वे में ले जाती है। हाँ हमें पता है कि काव्या को आदि, सॉरी विक्की क्या कहने आया था, बट यहाँ पे जिस तरीके से इस चीज को गलत लेकर गई है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं काव्या के मन में इस बात का गिल्ट रहेगा कि मैंने ऐसा कैसे सोच लिया विक्की के बारे में। कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, नहीं कभी हो सकता है, नहीं कभी होगा, तो फिर मैंने ऐसा कैसे कह दिया, सोच लिया। अब इसी के चलते बार 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 विक्की को लेकर जो हमारा कभी वो काव्या है, उसके दिमाग में यही चीजें चलती रहेंगी कि यार गलत है गलत है गलत है। और यही होते होते क्या होता है, पता चलता है कि विक्की पहुंच गया आदि के घर, वहां पे मारपीट हो रही है। क्यों? क्योंकि आदि जो है उसने झूठ बोल के यहाँ पर मैनिपुलेट करके जो हमारा विक्की है उसको टिकट दिलवा दिया। ये बोल के भाई टैक्सी यूनियन हमें देगा सपोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे टैक्सी यूनियन में सबने बोल दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो जाके करना कर ले। विक्की के अंदर गुस्सा पहले ही से ही था, ठीक है, काव्या का वो, बस आदि ने जो किया उसका भी गुस्सा, अब वो सारा गुस्सा निकलेगा आदि के ऊपर। बट यहाँ पे विक्की जो है, ठीक है, मारपीट कर रहा होता है, बेबे को पता चल जाता है, बेबे उसके पास जाते हैं उसको रोकने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए। इन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा होती है कि बेबे गिर जाती है। बेबे के गिरने की वजह से क्या होता है, उनको चोट आती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। अब यहाँ पर जो चीज है बेबे के ऊपर है पूरी की पूरी, कि वो यहाँ पर क्या काव्या को ये बोलेंगे कि देखो काव्या बेटा, विक्की तुमसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, तो वो बेचारा बहुत सीधा और बहुत ही मासूम सा है, ठीक है। अब देखो वो तो ये बातें नहीं कह पाया खुद से, बट अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस बात को किस वे में लेके जाना चाहोगे और तुम इसका क्या रिजल्ट देना चाहोगे। एंड यहाँ पर मे भी पॉसिबल है, मैं श्योर नहीं हो रहा, ना मैं इश्योर किसी को करना चाहूंगा, ना एश्योरिटी देना चाहूंगा कि यहाँ पर काव्या की शादी होगी आदि से, ओ सॉरी विक्की से, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल है कि काव्या इस चीज के लिए मना भी कर दे, और पॉसिबल है कि जिस तरीके से उसने विक्की को हर्ट किया है उसके लिए यहाँ पे वो हाँ भी बोल दे। हाँ मतलब मैं इतना श्योर नहीं हूँ इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि इसकी कहानी काफी मतलब एक इस टाइप में हो रही कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से कहाँ क्या से क्या हो जाएगा। उसके बाद अनुभा की एंट्री की भी बात हुई, तो मे भी पॉसिबल है कि अनुभा की भी यहाँ पर एंट्री हो, जो 3 साल का लीक मिला यहाँ पे, 3 साल के अंदर जो हमारी अनुभा वो भी शायद कोई अच्छी पोस्ट पर पहुंच गई हो, ठीक है। हाँ कुछ ट्रिक लगा के, जुगाड़ लगा के, कुछ ना कुछ करके वो अच्छी पोस्ट पर पहुंच गई, और यहाँ पे फिर हमारा कन्फ्रंटेशन हमें देखने को मिले अनुभा विक्की आदि और काव्या चारों का, और यहाँ पे अनुभा का भी कोई ना कोई रोल हो विक्की की लाइफ। चीजें हैं काफी सारी जो आने वाले एपिसोड्स में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है, बट इंटरेस्टिंग बनाना है नहीं बनाना ये हमारे मेकर्स के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, क्योंकि यार मेकर्स को चाहिए लव लव। लव लपाटा, और हम ये पहले दिन से देख रहे हैं, पहले ट्रैक से देख रहे हैं कि इनको सिर्फ लव 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 लव, ना काव्या ना आईएएस, ना आईएएस की जज्बा जुनून, ना आईएएस की ड्यूटी से को मतलब है, सिर्फ लव लपाटा दिखाओ, लव ट्रायंगल दिखाओ, ये करो वो करो, बस शो को आगे कंटिन्यू करते रहो, शो को आगे घसीटते रहो। अब यहाँ पर चीजें जो है वो मेरे अकॉर्डिंग बेकार है। यहाँ पर अब थोड़ा सा एक ऑफिशियल या फिर बोलूं कि ड्यूटीज को लेकर कहानी को आगे लेके जाना चाहिए। हाँ साइड बाय साइड जो इनका लव लपाटा हो रहा है ठीक है यार, मैं बोलता हूँ कि हाँ जस्टिफाइड है, बट उसके अलावा यहाँ पे ऑफिशियल ड्यूटीज जो हैं आईएएस की, नेताजी की, वो भी हमें देखने को मिलनी चाहिए, बट अगर नहीं दिखाते ना थोड़ा सा यार
फील करूंगा कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं हमारे गिरिजा स्मृतान जी की, वो बोलते हैं काव्य आदि की लाइफ में तुम वापिस आ, वो मुरझा सा गया है। एंड मैं भाई गिरिराज प्रधान की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। क्या ये वही गिरिराज प्रधान है जो काव्य को गालियां देता था, उसको आदि की लाइफ का श्राप बताता था, पता नहीं क्या क्या बोलता था? क्योंकि ये वो गिरिराज प्रधान नहीं है जिसको हम लोग जानते थे या फिर जिसके बारे में हमें पता था, जिसको हमने देखा था, ये वो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही उसके आसपास है। क्योंकि इसकी बातें, इसके बोलने का तरीका, इसका लहजा, इसकी सब चीजें भाई डिफरेंट है, सबकी सब चीजें डिफरेंट है, कुछ भी भाई सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। बट एक बात मैं श्योरिटी के साथ कहना चाहूंगा कि चीजें यहाँ पे गिरिराज प्रधान के कैरेक्टर के साथ जो है वो काफी ज्यादा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक्सपेरिमेंट करने वाली होती है। और यहाँ पे मुझे ऐसा फील आया कि गिरिराज प्रधान को इस बात का गिल्ट हो रहा है कि शायद उसकी वजह से काव्य आदि इस घर का चिराग सब गायब हो गया, सब अलग हो गए, सब दूर दूर हो गए, सब खत्म हो गया। और ये बात मुझे कहीं ना कहीं आज गिरिराज की आंखों उसके फ्लैशबैक से समझ में आई कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि यार सीमा चौधरी से उसने पंगा लिया है, सीमा चौधरी ने उसके वारिस खत्म कर दिया, तो हाँ उसको इस बात का गिल्ट होगा, उसको ये भी पता होगा कि ये सब शायद उसी की वजह से है। बट बात ये है कि वो ये बातें खुल के नहीं बोल सकता। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे की चीजों की, आगे के बारे में कि भाई अब आगे क्या करेगी काव्य, तो काव्य यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अब आदि के अगेंस्ट में जाएगी प्रॉपर तरीके से। और जो उसका मुंबई जाने का एक रट्टा है कि मैं मुंबई जाऊंगी, वो शायद अब नहीं रहेगा। क्योंकि उसको पता चलेगा कि विक्की को कैसे बहला के फुसला कर उसने, आदि ने मतलब, टिकट ली है, और यहाँ पे अब विक्की के लिए वो यहाँ पर आदि से लड़ेगी और यहाँ पे विक्की उसका साथ दे। बाकी अब आगे की कहानी में क्या होता है, किस तरीके से आगे के ट्रैक को ये मूव ऑन करते हैं, फॉरवर्ड ले जाते हैं, वो देखने वाली बात है। बट इंटरेस्टिंग हो यार कहानी, कुछ बोरिंग ना हो, कुछ रिपीटेड ना हो, लव ट्रायंगल या लव लपाटे वाली कोई चीज हमें देखने को ना मिले, ऑफिशियल ड्यूटीज के ऊपर बात हो, ऑफिशियली सारी चीजें हो, वो मैं देखना ज्यादा पसंद करूंगा। क्योंकि काफी लव लपाटा हो चुका है इस शो में, काफी सारी चीजें ऐसी हो चुकी है जो लव 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 के अगेंस्ट आराम घूमती रही है। अब मैं लव नहीं चाहता, अब मैं चाहता हूँ कि कुछ ऑफिशियल हो, कुछ एक जज्बा, एक जुनून वाली चीज हो, क्योंकि अब यही बाकी है इस शो में जो हमें नहीं देखने को मिला। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इस तरीके से काव्य के आने में सभी एपिसोड के अपडेट्स और रिव्यू से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।